नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अयाज गोगारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। चमड़ी के ऊपर इरप्शन हो जाना और पपड़ी का बनने लगना, एक लाल कलर का इरप्शन होने के बाद वाइट कलर का डस्टिंग पपड़ी का बन जाना, इसी रोग को सोरियासिस कहा जाता है। देख वैसे तो ये रोग कोई चेपी रोग नहीं है, माने कि स्पर्श से फैले जाने वाला रोग नहीं है, पर इसके बारे में समाज में बहुत सारा स्टिग्मा बना हुआ है। कभी कभी लोग मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं इस डिसीज के बारे में, अलग अलग जगहों पे इसका निकल आना। और ये रोग का संबंध ना ही कोई उम्र के साथ है, ना ही कोई जाति के साथ है, और ना ही कोई आयु सीमा के साथ है। ये छोटे बच्चे से लेकर बड़ों में किसी को भी कोई भी स्टेज पे आके डेवलप हो सकता है। बट एक स्टडी के मुताबिक ये एल्डर एज के बाद होने की ज़्यादा शक्यता है और पॉसिबिलिटी रही जाती है। सोरियासिस का वैसे तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, उसका कोई कारण अभी तक समाज में मौजूद नहीं है, साइंस के पास मौजूद नहीं है। बट कहा जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि खुद की ही बॉडी के सेल्स अपनी खुद की ही सेल्स को मारने लगते हैं, तब ये डिसीज फ्लेयरअप होकर आता है। हाँ, बट इसके बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स है। उसका एक सीज़न, वेदर, मौसम, जैसे सोरियासिस जैसे डिसीज विंटर की सीज़न के अंदर ज़्यादा दिक्कत देने लगते हैं, ठीक है। अगेन उसका ट्रिगर फैक्टर है वो है तनाव, एंजाइटी, ज़्यादा सोच, ज़्यादा विचार, ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बाद मरतबा डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो सोरियासिस को ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती हैं। कोई चोट वगैरह लगना या चोट वगैरह लगने के बाद पेशेंट की स्किन के अंदर ऐसे कोई इरोजन हो जाना जो सोरियासिस जैसी बीमारी को ट्रिगर फैक्टर दे सकते हैं। सोरियासिस की बीमारी को जानकारी लेने के लिए सिंपल और सॉफ्ट एक ही इन्वेस्टिगेशन है, वो है स्किन बायोप्सी। बाद मरतबा सोरियासिस जैसे डिसीज, कुछ प्रकार के एक्जिमा, कुछ प्रकार के अनदर स्किन डिसीज के साथ कोरिलेट हो सकता है, तो स्किन लीजन बायोप्सी इज वेरी हेल्पफुल टू रूल आउट द केसेस ऑफ सोरियासिस। तो आप सोरियासिस के अपनी स्किन को टेस्टिंग के लिए भी जाए तो आप सोरियासिस के इन्वेस्टिगेशन को कन्फर्म कर सकते हैं। आप क्या करें और क्या ना करें अगर आप सोरियासिस से पीड़ित है, तो सबसे पहली बात, आप तनाव में ना रहे, आप डिप्रेशन में ना रहे, आप स्ट्रेस वगैरह ना लें, ठीक है। और क्या करना चाहिए आपको, आपकी बॉडी को, स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। पहली बात, अपनी खुद की प्रकृति को आपको सही से जानना चाहिए कि कब सोरियासिस के लीजन आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, कौन सी सीजन, कौन सा वेदर आपके लिए सूटेबल है, नहीं है। सोरियासिस के डिसीज को ट्रीट करना इट्स वन ऑफ द ट्रिकी थिंग्स नाउडेज। मेनी स्किन स्पेशलिस्ट are maintain psoriasis very well. Homeopathy has a marvelous, homeopathy का सबसे बेहतरीन रोल है psoriasis जैसे skin disease को treat करने के लिए। जब सभी दरवाजे skin disease के अंदर बंद हो गए होते हैं, psoriasis जैसे disease condition के अंदर हमें कोई भी hope नहीं मिलती है, तो the door of homeopathy is open for you. 100% homeopathy के दरवाजे से आप बेहतरीन तरीके से psoriasis जैसे disease का इलाज करवा सकते हैं। We have a lots of evidence based cases कि जिसके अंदर patient के सोरियासिस 90% 95% जितना कम भी हो गए हैं, और उनका रिलैप्स कंडीशन, मतलब कि उनका वापिस आ जाने की कंडीशन के अंदर काफी कम रेशियो रहा गया है। तो अगर आप सोरियासिस जैसी बीमारी से पीड़ित है तो डेफिनेटली अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करें, प्रॉपर तरीके से पानी वगैरह पीने का रखें, अच्छा व्यायाम करें, और आपके नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, या हमारे पास आपकी ट्रीटमेंट कराने के लिए रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है, उस नंबर पर हमें आप प्रॉपर वक्त पे कॉल करके हमसे रब्ता करके आपके केस की अपॉइंटमेंट लिखा सकते हैं। और डेफिनेटली आप सोरियासिस की बीमारी से अगर फाइट कर रहे हैं तो वी आर होम्योपैथ डेफिनेटली आर हियर टू हेल्प यू। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सोरियासिस के संबंधित डिटेल में अगर आपकी कोई पीड़ा है तो हमसे शेयर करें। हम डेफिनेटली उचित वक्त पे सही प्रकार की जानकारी से और सही निदान और सही मेडिसिन के जरिए आपको इस बीमारी से निजात दिलाने में आपकी मदद कर पाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।